फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। इट इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर 10th एग्जाम्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड चूज कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो इस एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी होती है। इसमें फिर से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी मैंने, हम एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, हमने कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। एलिमिनेट हम उस वेरिएबल को कर सकते हैं जिसके कॉफिशियंट सेम हो। जैसे इधर एक्स का कॉफिशियंट ऑप्शन 3 है, ये सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। इधर वाई का कॉफिशियंट 1 है, वाई का कॉफिशियंट 2 है, इक्वल नहीं है। तो पहले हमें किसी भी एक वेरिएबल के कॉफिशियंट को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो मैं एक्स के वेरिएबल्स, जो एक्स वेरिएबल है उसके कॉफिशियंट्स को मैं इक्वल करना चाहती हूँ। तो इस जो इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है, इसमें एक्स का कॉफिशियंट है 2, इसको मैं नीचे वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी पूरी के साथ, ठीक है। इस इक्वेशन में एक्स का कॉफिशियंट है 3, तो 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी ऊपर वाली इक्वेशन के साथ। तो इससे क्या होगा, 3 to the 6x, 3 को वाई से किया 3y, 3 5 जा 15, ठीक है। और 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4y इज इक्वल्स टू 8 2 जा 16। तो इससे क्या हुआ, जब मैंने 3 को इससे मल्टीप्लाई किया और 2 को इस नीचे वाली इक्वेशन से, तो मेरे x के जो कॉफिशेंट्स थे दोनों के आगे 6 6 इक्वल आगे। अब मैं इसे इजी एलिमिनेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो भी अपने जो नीचे वाली इक्वेशन है उसकी जो टर्म्स है, 3 टर्म्स है इसकी, 6x 4y 16, हमने क्या करना है, इन तीनों का साइन चेंज कर देना है। 6x पॉजिटिव है तो इसे मैं नेगेटिव कर दूंगी, 4y पॉजिटिव है इसे भी नेगेटिव कर दूंगी, और 16 पॉजिटिव है तो इसे भी नेगेटिव कर दूंगी, ठीक है। अभी हम जैसे ऐड करते हैं वैसे करेंगे, 6x माइनस 6x क्या हो गया, 0, कैंसिल हो गया ये। तो हमारा जो x वेरिएबल है वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो अभी 3y माइनस 4y, अभी मैंने 4 का ये प्लस वाला साइन नहीं देखना है, ये साइन देखना है जो मैंने चेंज कर दिया है वो। 3y माइनस 4y कितना हो गया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 15 माइनस 16 कितना आ गया, माइनस 1। तो हमारे y की वैल्यू क्या आ गई, 1। देखा कितना इजी है इसके साथ हमारा सम सॉल्व करना। अभी हमारी y की वैल्यू हो गया, तो हमने कौन सी दूसरे वेरिएबल, डैट इज x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हम 2x प्लस वाई फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 5 में y को पुट करेंगे, पुट हेयर y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 1 कितना आ गया, 4, और हमारा x क्या आ गया, 2, ठीक है। तो x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।